अब तुम सर हमसे बात तो करते नहीं, मतलब सीधा सीधा कांटेक्ट में तो हो नहीं कि यहां सामने बैठे 50 लोग तो हाथ उड़ा दे सर मेरी तरफ से आप मेरा कमिटमेंट लिख लो। तो सबको कमिटमेंट हमें करने की बजाय अपने आप से कर लीजिए कि सर आपने जो हमें दिया है इसका हम 100% फायदा उठाते हुए आपको एक बढ़िया सी रैंक गिफ्ट में देंगे कि सर हाँ ये मेरी तरफ से सर आपके लिए इतना मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं कि मैंने इतनी मेहनत की। अच्छा वो रैंक ऐसा नहीं है कि डबल डिजिट सिंगल डिजिट ट्रिपल डिजिट रैंक होनी चाहिए, समझ रहे हैं कि सर मैं चाह रहा था कि मेरे को ये वाली NIT मिल जाए अपने लेवल ये वाली IIT मिल जाए, ये सर मेरे हिसाब से है। और वो सारी इक्विवेलेंट है, कोई डबल लाए कोई ट्रिपल लाए कोई 4 में लाए कोई 5 में लाए, उतना पीछे मत जाना बट ठीक है। सर के कहने का मतलब ये था कि जिसका जो बेस्ट पोटेंशियल है भाई, किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता था अगर वो हमारे लिए 2000 रैंक भी ला देता है, हम कहते हैं इसका हमने इसका बेस्ट आउटपुट निकाल लिया। किसी का 2000 में रैंक आ सकता था हमारे साथ आगे वो 500 रैंक में आ जाता, हमने उसका बेस्ट निकाल लिया। 500 आ सकता था 2 डिजिट में आ गया उसका निकाल लिया। बट व्हाट आई पर्सनली फील, अब मैं एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूं, आप अगर कुछ हमें पे बैक करना चाहते हो तो वो आपके रैंक से ही पे बैक कर सकते हो। आप चाहे कि वो 4200 से पे बैक हो सकता है, मैं नहीं मानता। एक वो स्टॉइक बन के दिखाओ, साधु बन के दिखाओ, संत बन के दिखाओ और ब्लाइंडली फॉलो करो टीचर्स को यार, ब्लाइंडली सोचना ही नहीं है कि यार मैं इधर देखूं या उधर देखूं। जो बोल दिया आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, दैट्स इट, दैट इज द फाइनल वर्ड, उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए। कि सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, कैसे सोचे राह सरल हो, ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है, मिलना चाहोगे क्या? बोलो सर। सर यस सर।